सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ईएम वेव्स के बारे में थोड़ा बहुत, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसको थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज हम रैप अप तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी एक दो लेक्चर शायद और लगेंगे इसके, एटलीस्ट वन लेक्चर विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आज वैसे भी हम रैप अप नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लास्ट क्लास है फिजिक्स की, क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं है शायद, है ना, टुमोरो इज नो क्लास, देर विल बी नो क्लास ऑफ फिजिक्स, है कि? यस सर। क्या बोल रहे बेटा अभिषेक? नो सर, ये हुआ था, कल नहीं है क्लास। हाँ कल नहीं है ना, तो आज आपकी ऑलमोस्ट एक तरह से लास्ट क्लास है इस वीक की। तो आप लोगों को मैं थोड़ी टेस्ट की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इस वजह से कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि थोड़ा आइडिया रहे मेजर टेस्ट में क्या क्या आने वाला है। तो पहले तो मुझे आप ये बताओ कि मेजर टेस्ट तो दे तो रहे ना सब लोग? पक्का? एक काम करते हैं यार, मुझे लग रहा है सब लोग आंसर करते नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर तो सब किया करो। एक काम करते हैं, पोल रन करते हैं। ठीक है, करें पोल रन, करें, आंसर करोगे? यस सर। आया, शो हुआ? यस सर। चलो आंसर करो। यस सर। आपको मेजर टेस्ट आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है, आपको बस इसमें वोट करना है। एक ऑप्शन नहीं बताना भी है, डिम्पल मुझे पता था डिम्पल चूज करेगी इसको, नहीं बताना, जिसने चूज किया ना उसको मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। ये ट्रिक क्वेश्चन था, इट इज अ ट्रिक ऑप्शन, इसको चूज नहीं करना है बिल्कुल भी। सर डाला क्यों फिर? तुम्हें पकड़ने के लिए डाला है, डिम्पल ने तो नाम के साथ बता दिया कि देखो सर मैं हूं नहीं बताना वाली। अरे आंसर करो जल्दी, अभी पोल पता है क्यों रन किया है मैंने, इससे पता चलता है कि तुम पोल में भी अलर्ट नहीं हो, यानी तुम क्लास में सोते हो। कर दिया सर पोल। यस सर कर दिया है। सारे बच्चों को करना है, ठीक है। यस सर कर दिया। 18 वोट आए मेरे पास अभी, और यहाँ पे हैं हमारे पास 21 स्टूडेंट्स, यानी तीन बच्चों ने नहीं किया है। कैलकुलेशन देख रहे हो तुम मेरी कितनी शार्प है। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है उनका नाम नोट करने वाला हूं मैं, और फिर आगे दे देते हैं। तो अब आप बात करते रहना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आप ऐसा करते हो, आंसर क्यों नहीं करते हो आप क्लास में। तो भाई अधिकतर बच्चे दे रहे हैं मतलब, है ना, पोल को एंड करते हैं यहीं पे, आई होप कि सबने आंसर कर दिया है। तो अधिकतर बच्चे दे रहे हैं मेजर टेस्ट, ठीक है, चलो बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो मेजर टेस्ट में आपको क्या पढ़ना है थोड़ा बहुत मैं आपको बता के जाऊंगा आज की क्लास में। और सिंस मुझे आप लोगों ने कल बताया कि आप लोगों का जो स्कूल में एग्जाम्स हैं वो लोग चल रहे हैं, तो आई विल गिव यू सम टाइम आल्सो इन माय एवरी क्लास, आई विल ट्राई टू गिव यू सम टाइम, ठीक है। थोड़ा मैं 5-10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा ताकि आप लोग थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स होके थोड़ा फ्री, क्योंकि अब लगातार आप पढ़ते रहोगे 3-3, 4-4 घंटे क्लास में भी, तो आप स्कूल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन एक प्रॉमिस तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम क्लास में टाइम से आओगे सब लोग, ठीक है, जब भी क्लास स्टार्ट होगी टाइम से आओगे अंदर। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी थोड़ा सा जल्दी छोड़ देता हूँ, मुझे भी पता है तुम लोगों के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, बहुत सारी क्लासेस तुम लेते हो एक साथ, है ना, लेकिन थोड़ा तुम भी फिर कोऑर्डिनेट करो। कूल, मेजर टेस्ट दे रहे हो तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं और कितना क्या क्या पढ़ के जाना है वो सब मैं बता के जाऊंगा। क्लास को जल्दी लीव मत करना, एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, पहले से बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आप मेजर टेस्ट दे रहे हो तो आपको मैं पहले से ही बता दूं, आपको अगर नहीं पता हो तो, कि 11th के पोर्शन ज्यादा आने वाले हैं, 60% सिलेबस 11th का आएगा और 40% आएगा 12th का, यानी कि 50 क्वेश्चंस आने हैं टोटल फिजिक्स के, उसमें से 30 क्वेश्चंस आएंगे 11th क्लास के और 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके किसके, 12th क्लास के, प्लस टू के, ठीक है ना, 12th मतलब प्लस वन से ज्यादा आएगा। तो आप लोगों को ये बात समझनी है कि आप लोग जो भी आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करके जाना है,
अब सिंस हमारे पास इतना टाइम नहीं था बच्चों, यह बात आप भी समझते हो कि एक क्लास में रोटेशन नहीं हो सकता, एक क्लास में इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी पूरी नहीं हो सकती, है ना। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि दो दो तीन तीन वीक चलते हैं, तो हम लोग क्लास में नहीं कवर कर सकते हैं सब, पर थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया होगा, राइट। और प्लस वन में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, ऐसा थोड़ी प्लस वन में तुम लोग बुक्स बंद करके बाहर ही घूमते थे पूरे टाइम, थोड़ा तो आइडिया लिया ही होगा तुमने टॉपिक्स का, तो रिवाइज करके जाना। पॉइंट है मेरा ये कि आप पीवाई क्यू को रिवाइज करके जाना। गुड इवनिंग बच्चा, ठीक है। तो मैं क्लास के थ्योरी बहुत ज्यादा है ना बेटा, इसलिए बोलो कि केवल फॉर्मूला रिवाइज करके जाना, वो हो जाएगा। सर मैं पूछ रहा हूँ ज्यादा आएगा कि न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा। अरे यार ये कैसा सवाल हुआ, दोनों ही आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं इस बार और न्यूमेरिकल्स तो होते ही हैं, है ना। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों मतलब इक्वल प्रोपोर्शंस में ही मान सकते हो आप। इक्वल प्रोपोर्शंस का मतलब ये नहीं कि बार 50-50 है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं अच्छे खास हैं, है ना। तो तुम लोगों को जहां तक मुझे लगता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पसंद आते हैं शायद, है ना। यस सर क्योंकि मेहनत नहीं लगती ना उसमें पेन चलाने की, मेहनत करने से तो कतराते हैं हम, है ना सर। पेन कौन चलाए सर, कौन क्वेश्चन सॉल्व करे, कौन सॉल्व करे 10^-11 को डिवाइड कैसे करते हैं 10^-3 से और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, ठीक है। ये सब नहीं करना है सर हमें लाइफ में, मुझे पता है तुम्हें ये सब नहीं करना है, लेकिन नीट में तुम्हें क्लियर करना है ना, ग्रेजुएशन तुम्हें अच्छी जगह से करनी है ना, ये सब करना पड़ेगा। इसी साल की बात है, अगर इस साल निकल गया तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो मेडिकल में वही कोर्सेस पढ़ने हैं ना हमें जो मेडिकल के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन एंट्रेंस के लिए पढ़ना है तो अभी इस चीज से कतराओ मत। अभी तुम जितना ज्यादा इसमें डेडिकेशन दिखाओगे उतना ही तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करने का, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, आज का जो लेक्चर है उसमें ईएम वेव्स कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन ईएम वेव्स आ रहा है, मेजर टेस्ट में आ रहा है, सबको पता है। यस सर, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर ने ईएम वेव्स कंप्लीट नहीं कराया और मेजर टेस्ट देने भेज दिया हमें, है ना, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। मेजर टेस्ट में जो भी आपका ईएम वेव्स का पार्ट आएगा वो मैं कंप्लीट करा दूंगा आज आज में, ठीक है। तो जो बचेगा पार्ट उससे या तो क्वेश्चन नहीं आ रहे, नीट में नहीं आएंगे ऐसा नहीं बोल रहा मैं, मेजर टेस्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा के भेज रहा हूँ तुम्हें। कूल? यस सर, यस सर। तो तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीटेड होगा जब तुम मेजर टेस्ट देने जाओगे, ठीक है। तो ऐसे परेशान मत होना कि सर कुछ रह गया था हमारा, तुम्हारी प्रिपरेशन ही है अब, ठीक है, जो कि तुम्हें अच्छा पेपर देने में हेल्प कर सकती है। और ज्यादा लोड मत लेना, ऐसा मत सोचना कि सर देना ही नहीं है, है ना। ऐसे ज्यादा परेशान मत होना कि सर मेजर टेस्ट है, स्कूल में भी टेस्ट है, तो मैं टेस्ट ही नहीं दे रहा हूँ, छोड़ दिया तुमने टेस्ट ही, ऐसा मत करना। ये प्रिपरेशन के लिए तुम्हारी, अगर प्रिपरेशन में मार्क्स कम भी आते हैं तो कोई बात नहीं, है ना, अगले वाले में अच्छा लेके आएंगे, लेकिन टेस्ट ही नहीं दिया तो प्रिपरेशन कैसे होगी फिर, क्योंकि फाइनल एग्जाम तो मई में होने वाला है नीट का, है ना। तो वहां तक जाने के लिए ये हर एक प्रिपरेशन वाला जो पॉइंट है जरूरी है अचीव करना, तो टेस्ट जरूर देने जाना, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, चालू करें। यस सर, ईएम वेव्स तो चालू करें ना। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, कोई सवाल जवाब तो नहीं करना है किसी को? नहीं। No, sir. Cool. तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों, लेट मी नो कि आपको विजिबल या नहीं। इज इट विजिबल? नो सर। वेट, अभी दिखेगी शायद, वेट करो। यस सर दिख रही है, ठीक है। यस सर मुझे, ओके थैंक यू बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम ईएम वेव्स का जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ था लास्ट क्लास का उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, टेस्ट के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आपकी मेजर टेस्ट में आपको हेल्प कर सकते हैं, और
थोड़ा बहुत आपको पुराने टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, तो मेरे साथ मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना है ना। कुछ सवाल आता है तो पूछ सकते हो ऑब्वियसली बीच में, पर जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब जरूर देना है। तो ईएम वेव्स हमने क्या पढ़ा था बच्चों, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे प्रोपोगेट इन अ सिंक्रोनाइज ऑसिलेशन, है ना, व्हेन दे परफॉर्म सिंक्रोनाइज ऑसिलेशन, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में ट्रैवल करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईएम वेव्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ईएम वेव्स क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बोलो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, है ना, ये हमने बेसिक चीज पढ़ी थी। अच्छा एक सवाल है मेरा, एक मिनट, तुम्हें बताया था कि ईएम वेव्स जो है ऑब्टेन करी जाती है किसी की इक्वेशंस के सोल्यूशन से, किसी की इक्वेशंस के सोल्यूशन से ईएम वेव्स को ऑब्टेन किया जा सकता है, ये नाम बताओ। मैक्सवेल किसका, मैक्सवेल, पक्का मैक्सवेल है? यस सर, यस सर। तो मैक्सवेल की जो इक्वेशंस थी उनके जब सॉल्यूशंस निकालोगे आप, इक्वेशन समझते हो ना, जैसे कि ये मैथ्स में इक्वेशन पढ़ते थे ना, 4x plus y equals to z, है ना, x plus 2y equals to कुछ भी ले लो 2z, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो इनके कुछ सॉल्यूशंस निकलेंगे ना बच्चों। यस सर, है ना, तो इनके जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वैसे यहाँ पे, अब ये बिल्कुल ये तो बेसिक एल्जेब्रिक इक्वेशंस है, लेकिन मैक्सवेल ने जो इक्वेशंस दी थी वो थोड़ी अलग थी ऑब्वियसली, तो उसके इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकले थे उसके रिजल्ट से हमें ईएम वेव्स मिली। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे इसको हम एक्सपेरिमेंटली फॉर्मुलेटिक तरीके से भी करेंगे, फॉर्मूला वाइज भी हम समझेंगे इसको, इक्वेशन वाइज भी समझेंगे, लेकिन अभी थ्योरी वाइज मैं आपको समझा रहा हूँ कि ईएम वेव्स का ईएम वेव्स हमें मिलती कैसे है, है ना, मैथमेटिकली हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं मैक्सवेल के इक्वेशंस के, है ना, ये सब हम पढ़ने वाले। ठीक है, उसके बाद हमने फैराडेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, याद है सबको फैराडे ने क्या बताया था? यस सर, क्या बताया था, कोई एक जना बता दो जल्दी से, कौन बताएगा, कौन बताएगा, शिखा जी, हाँ जी शिखा जी, फैराडे ने ये बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, प्रोड्यूस होती है। ओके, क्या बाकी सब बच्चे अग्री करते हैं शिखा से? यस सर। ओके, तो फैराडे सर जो थे महान साइंटिस्ट, वो क्या बता के गए बच्चों कि आपका एक रिलेशन है जो कि आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन बता के गए थे हमें। वो क्या बता के गए थे कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब आप इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या आएगा, माइनस ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, पसंद में आई? और इसी चीज को हमने बाद में क्या लिख दिया था, ई लिख दिया था, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ लिख दिया था ना, कि ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंजिंग, है ना, करंट विल बी प्रोड्यूस, इंड्यूस करंट, अरे पढ़ा था ना ये सब चीजें, इंड्यूस करंट बनता है, है ना, तो ये सब चीजें फैराडे बता के गए। और फैराडे का जानना क्यों जरूरी था, फैराडे की बात करी क्यों हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई, मतलब हमको ये पता नहीं था, समझ में तो क्या नहीं आ रहा था कि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन सकता है, वैसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, ये बात हमने सोची नहीं थी उस टाइम पे, ह्यूमंस ने नहीं सोची थी, है ना, उनको पता नहीं था। तो मैक्सवेल आए और मैक्सवेल ने प्रूव कर दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है बोलो भाई, क्या बोला मैक्सवेल ने, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है ना, और इसको प्रूव भी किया उन्होंने, राइट। तो बस इन्हीं बारे में हम कुछ बात करेंगे, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था आपको, वहां से हम क्लिक करेंगे, ठीक है, थोड़ा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव की हम बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसपे से क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन अधिकतर इसी टॉपिक से आते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर बनेंगे तो इस टॉपिक से बनेंगे, ऐसा नहीं दूसरी जगह से नहीं बन सकते ऐसा मत सोचना, लेकिन इस टॉपिक से बनते हैं काफी, इसलिए बोल रहा हूँ,
ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। इसमें कोई टॉपिक नहीं है वैसे, ये छोटा सा चीज है, बस इस पे कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलो भाई बहुत ही बढ़िया बात है, स्टार्ट चालू कर दे। तो डिस्कशन हमारा हो चुका है कि कितना इंपॉर्टेंट है, 9 से 10 क्वेश्चन इसके आ चुके हैं पिछले 4-5 सालों में, तो इस हाईली वेटेड चैप्टर है, ना वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको छोड़ना नहीं है। इसको करके जाओगे तो फ्री में आपके बहुत सारे मार्क्स आ जाएंगे, फ्री में इसलिए बोलो क्योंकि ज्यादा पढ़ा नहीं चाहिए। तो भाई हमने स्टार्ट किया पढ़ना जब चार्ज के बारे में, ये बेसिक डिस्कशन है जो कल रह गया था हमारा, आज कंप्लीट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि भाई जब चार्ज रेस्ट पे था तो वो क्या बना रहा था, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था बच्चों? अरे रेस्ट पे चार्ज रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा क्या है फिर तुमने? कोई चार्ज अगर रेस्ट पे है और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बना रहा है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा क्या तुम लोगों ने? बेटा भूल गए हो क्या सब लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था बताओ? चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना सकता है, और कुछ थोड़ी बना पाएगा। हर एक चार्ज की कोई ना कोई फील्ड होगी जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, हाँ ना? तो बोलो यार, जिसमें इन्फ्लुएंस रहेगा उसका, है ना? तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है तो क्या मैं सही बोलूंगा या गलत बोलूंगा? अगर चार्ज रेस्ट पे है तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? हाँ। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? नहीं। नो सर, है ना? नो सर। और क्या वो ईएम वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है? आंसर है नो। अगर चार्ज आपका रेस्ट पे है तो वो केवल और केवल क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब तुमने बोला कि चार्ज को एक कांस्टेंट मोशन से बढ़ा दो आगे, है ना, स्पीड दे दो। क्या बोला आपने कि कुछ स्पीड दे दो चार्ज, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है दे देते हैं, लेकिन अगर चार्ज स्पीड पकड़ रहा है तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करता ही है, है ना? Yes. लेकिन एक मूविंग चार्ज क्या मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है? नो सर। नो सर। अरे यार जब तुम चार्ज को फ्लो कराओगे तो करंट फ्लो होगा, चार्ज को फ्लो कराओगे तो करंट फ्लो होगा। जब करंट कैरिंग वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, अगर कोई वायर है कंडक्टर है तो उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती थी क्या? सब सोना सोना सा लग रहा है क्या? ऐसा क्या हो गया है? रिविजन नहीं किया है बिल्कुल भी चीजों का पुराना। अरे मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हुआ है ना, तो बेटा चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी क्या? ओयस्टर्ड ने बताया था ना, तो 9th क्लास में पता चल गया था है तो। अरे हाँ ना बोलो यार, और ऐसे डराओ मत मुझे, ऐसे डराओगे तो मैं आगे कैसे पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो तो बहुत आगे की बात हो जाएगी फिर। तुम तो यहाँ पे ही बात मेरे साथ में चलने के लिए तैयार नहीं हो कि जो चार्ज है वो अगर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऐसा तो नहीं है? अरे भूल तो नहीं गए हम इस बात को कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है मूविंग चार्ज की वजह से, है ना? याद है ना ये मैग्नेटिक फील्ड जो चैप्टर पढ़ा था पूरा मैग्नेटिज्म, अरे चैप्टर पूरा मैग्नेटिज्म इसके ऊपर ही तो था भाई। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अरे याद आ रहा है क्यू वी बी साइन थीटा, है ना? तो ये जो चार्ज है जब ये मूव करेगा v वेलोसिटी से तभी तो ये मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये, क्योंकि मूव कर रहा है। ओयस्टर्ड ने भी तो एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक बल्ब लगा दिया था उन्होंने चुपके से, है ना, एक बल्ब लगा दिया था सर्किट से, है ना, चार्ज को फ्लो करा दिया था, चार्ज फ्लो कर रहा था तो बल्ब जल रहा था, ये प्रूव हो गया कि भाई हाँ चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ना। और जब उन्होंने कंपास रखा इसके पास में, क्या रखा उन्होंने यहाँ पे? कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास। तो क्या नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया? बिल्कुल किया। Yes, sir. अरे जब कंपास रखा यहाँ पे इसके वायर के पास में तो इसने डिफ्लेक्शन शो किया ना नीडल ने। Yes, sir. Yes, sir. तो इससे क्या पता चला हमें कि जो मूविंग चार्ज है, जो करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास क्या बनती है भाई?
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमने ये देखा कि ये जो कॉन्स्टेंटली स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड से जो चार्ज मूव कर रहा है, ये ईएम वेव्स को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएम वेव। ईएम वेव। तो हमने क्या बोला कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमारे पास एक और तरीका है। बोले क्या? बोले चार्ज को क्या करा दो, एक्सेलरेट करा दो। क्या करा दो? एक्सेलरेट ना, चार्ज की स्पीड चेंज कर दो। मतलब जब तुम चला तो रही हो, तुमको क्या करना है, खाली चार्ज को स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है, टाइम के साथ में एक चार्ज की जो भी स्पीड है उसको चेंज करना है ना। जैसे ही हमने ये किया, हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करने लगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करने लगा, और इससे ईएम वेव्स भी प्रोड्यूस होने लगी। तो समझ में आया डिफरेंस सबको, एन एक्सेलरेटेड चार्ज कैन प्रोड्यूस ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम, बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। अच्छा, ये जो रेस्ट पे था चार्ज, इस वाली फिजिक्स की ब्रांच को क्या बोलते थे जब ये पढ़ते थे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब कांस्टेंट स्पीड से चलने लगा चार्ज तो क्या बोलते थे उसको, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यस सर, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते थे ना इसको। ठीक है, और इसका ही पार्ट है, ये भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ही पार्ट है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे ईएम वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ठीक है, इसका ही पार्ट है ये, लेकिन इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हम स्पेसिफिकली चार्ज को एक्सेलरेट कराते हैं। ठीक है, अच्छा, सोर्स क्या हो सकते हैं इसके? सोर्स केवल ये ही नहीं होगा कि आप चार्ज को एक्सेलरेट करा दो, तो मतलब करंट कैरिंग वायर में अगर आपने चार्ज को एक्सेलरेट कराया तो आप उस तरीके से ही केवल प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप और भी तरीकों से ईएम वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि एलसी ऑसिलेटर था। एलसी ऑसिलेटर याद है, सुना सुना लग रहा है, एलसी इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का मिक्सचर। यस सर, यस सर, है ना। एलसी ऑसिलेटर की हेल्प से आप कर सकते हो। और क्या तरीका हो सकता है? एक्सेलरेटेड चार्ज की तो बात कर ही ली हमने, है ना। इसके साथ अगर आप इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर डीएक्सेलरेट कर दो, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, डीएक्सेलरेट कर दो। तरीके हैं, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सुन लो बस इसको। इलेक्ट्रॉन को अगर डीएक्सेलरेट कर दो आप एटम के अंदर, ठीक है, तो वो भी एक तरीका है जिससे कि आप ईएम वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ तरीके हैं, सुनने में अगर कभी आता है तो याद रखना, वरना तो आपको बेसिक तो पता ही है सारा। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में ये बात कर ली थी कि मैक्सवेल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, और मैक्सवेल के हिसाब से अगर आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दोनों के बीच में अगर आप करंट फ्लो कराते हो, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या जनरेट होने लगेगी, इलेक्ट्रिक, अरे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी भाई, वेरिएबल। कैसी होगी ये? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, जैसे जैसे आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, वैसे वैसे आपके क्या हो रहे हैं भाई, चार्ज ट्रांसफर होने लग रहे हैं, है ना, चार्ज धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है ना बच्चों। अरे एक बार में हो जाते हैं क्या, एक बार में चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा क्या पूरा? नो सर, है ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा ना, मतलब आपको एकदम से देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है, और जैसे जैसे प्लस इधर बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे माइनस इधर बढ़ता जाएगा, उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो मैक्सवेल थे, उन्होंने क्या बताया हमें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एस्टेब्लिश हो रही है उसके बारे में उन्होंने बताया। क्या बताया? कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो वेरिएबल है, क्योंकि धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रही है ना, फिर हो सकता है डिक्रीज भी हो डिस्चार्जिंग के केस में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिएबल है, और ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से आपका क्या जनरेट हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया उन्होंने कि भाई जैसे आपका करंट कैरिंग वायर में कौन सा करंट होता है, कंडक्शन करंट, कौन सा करंट होता है, कंडक्शन करंट, वैसे ही आपकी फ्री स्पेस में कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। कहाँ होता है बच्चों ये? फ्री स्पेस में। कहाँ होगा ये? फ्री स्पेस, है ना, जहां पे आपका कोई वायर नहीं है, किसी तरह का चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, उस जगह पे हो रहा है।
ठीक है, तो और हो क्यों रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रही है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये तो उसने पता कर ही लिया था, अरे ये तो उसने पता कर लिया था ना कंपस लगा के, है ना। यस सर, इसके अलावा उसने क्या बोला, इसके अलावा उसने बोला था कि जो आईसी होगा वो आईडी के इक्वल होगा। क्योंकि उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ रही थी एक पॉइंट पी पे जो अंदर की तरफ था, वो सेम आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, पॉइंट क्यू पे ना, जो कि कहां था, क्यू कहां था बच्चों, याद करो, याद आ रहा है थोड़ा बहुत, ऐसे हमने दो पॉइंट बनाए थे यहाँ पे, वायर पे पी पॉइंट ले लिया था और फ्री स्पेस में कौन सा पॉइंट ले लिया था, क्यू पॉइंट ले लिया था, ठीक है। तो दोनों जगह पे जब उसने कंपस लगाया तो उसने देखा कि दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों एरिया सेम, जितना डिफ्लेक्शन उधर आ रहा है पी पे उतना ही डिफ्लेक्शन क्यू पे आ रहा है। तो डेफिनेटली जितना करंट आपका कंडक्शन करंट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट भी होना चाहिए। इसको प्रूव भी करेंगे आगे, हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे इसको, उसकी टेंशन की जरूरत नहीं। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था कंडक्शन करंट का फॉर्मूला जो कि हम कन्वेंशनली रहते थे, डी क्यू बाई डी टी, राइट, यस सर, है ना। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या लिया था हमने, एप्साइलन नॉट डी फाई बाई डी टी, है ना। डी फाई बाई डी टी क्या है भाई, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो चेंज हो रहा है, यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो तुमने तुमने भी तो अग्री किया कि जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है या चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, यस सर, यस सर, हाँ। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट करंट भी उसी वजह से आ रहा है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट ही तो बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो एक्सप्लेनेशन दी थी मैक्सवेल ने, है ना। तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक, मान ली तुम्हारी बात, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई इंटू ए होता है कैपेसिटर के केस में, ये पढ़ चुके हैं हम, है ना। क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट भी इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, फाई ई को क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कैसे लिख सकते हैं, कैपेसिटर याद आ रहा है थोड़ा बहुत, बचपन की चीजें याद आ रही थोड़ी बहुत, है ना, उसके थ्रू हमने इसको लिखा है। कैपेसिटर थोड़ा रिवाइज करो बच्चों, कैपेसिटर जब तक रिवाइज नहीं करोगे या और जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं उनको जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो आगे बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आया सब, फॉर्मूला समझ में आया, इसको याद रखोगे, इसको नोट करा तुमने, फॉर्मूला नोट किया, यस सर, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या ये कर सकते हो तुम लोग, अगर करंट का डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला मैं तुम्हें दे चुका हूँ, कंडक्शन करंट का भी फॉर्मूला मैं तुम्हें दे चुका हूँ, तो क्या इस चीज को कर सकते हो सॉल्व, टाइम दू, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक मिनट का टाइम, एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करो, अगर हो जाता है बढ़िया बात है, नहीं होता है फिर मैं बताऊंगा इसे, 1 मिनट टाइम टू एवरीवन, सॉल्व करो इसको। बच्चों आपको रिप्लाई करना पड़ेगा कि सॉल्व हुआ नहीं हुआ, डिस्कस करना है नहीं करना है,
कूल, काफी बच्चों ने लिख दिया डिस्कस, तुरंत प्रभाव से डिस्कस करना पड़ेगा। बेटा यार ये तो होना चाहिए था सॉल्व। आपको दोनों फॉर्मूले मैंने बताए हैं, राइट? दोनों फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं। आपको कंडक्शन करंट का फॉर्मूला पता है बच्चों क्या होता है? जल्दी से बताओ। dq/dt dq/dt। dq/dt डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला? e0d∅e/dt एक तो इसको ई नॉट बोलना बंद करो, ये एप्साइलन नॉट बोलना चालू करो इसको, है ना? क्या ये एप्साइलन नॉट है ना? डी फाई ई बाई डी टी। डी फाई ई का मतलब क्या है? चेंज इन। डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई होता था ना बेटा, फाई थोड़ी लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को, है यस ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फ्लक्स होता था इसकी वैल्यू क्या होती थी? ई क्या इसको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखता था मैं? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सर याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा यस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था फर्स्ट सर चैप्टर में, गॉस लॉ गॉस गॉस लॉ। कौन सा लॉ था ये? गॉस लॉ लॉ, है ना? तो इस चीज को कुछ नहीं कर रहा मैं, यहाँ पुट कर रहा हूँ बस। आई डी इक्वल्स टू ई या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? डी फाई ई की जगह क्या लिख दूंगा? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एप्सिलॉन नॉट तो नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना, वो थोड़ी चेंज होगा। अरे वो थोड़ी डिफरेंशिएट होगा, अपॉन डी टी, यस है ना? तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बच्चों? क्या सर यस ये डी क्यू अपॉन डी टी बचा क्या? आई डी, सर क्या ये आईसी होता है कंडक्शन करंट? यस सर हो गया प्रूव, हो गया प्रूव? आईसी इक्वल्स टू आईडी। अरे हाँ ना बोलो यस यार, है ना? सर हाँ तो दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट ही जो है वो वहां से निकला है। उसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कंडक्शन करंट को डिस्प्लेस किया है आपने, है ना? पहले वो वायर में ट्रैवल कर रहा था, वायर में प्रेजेंट था, और फिर वो फ्री स्पेस में आपने डिस्प्लेस कर दिया बेसिकली, ऐसा समझो इसको, है ना? समझाने के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है? तो इसलिए उसका नाम क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको इसलिए बोला जाता है, ठीक है? तो याद रहेगा आपसे ये कि जो कंडक्शन करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर आता है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद रहेगा सबको, एप्सिलॉन नॉट, बोलो क्या होता है? डी फाई, यस बाय डी डीटी फाई बाई डी टी। कूल, आगे चले। चलो यस सर यस सर अच्छा, तो जैसे ही हमने मैक्सवेल ने ये बताया कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट ही रीजन है आपका, जो कि चेंजिंग आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, तो भाई एम्पियर लॉ को हमने उस टाइम पे मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि एम्पियर लॉ कोई गलत नहीं था। एम्पियर सर्कुलर लॉ याद है ना सबको? क्या था एम्पियर सर्कुलर लॉ, बताना जरा। एम्पियर सर्कुलर लॉ याद है सबको या भूल गए हो, कल ही पढ़ा है? सर इंटीग्रल ऑफ पी डॉट डीएल इज इक्वल टू न्यू नॉट एन साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड, ना? आई एनक्लोज्ड, ये होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, है ना? तो जो मैक्सवेल ने बोला यस सर भाई, अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप जो एनक्लोज्ड करंट है ना उसी को कंसिडर कर रहे थे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के लिए। यानी कि आप जो बोल रहे थे ना कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है एक सिस्टम में, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो आप बोल रहे थे कि अभी तक एनक्लोज करंट की वजह से ही हो रही है या फिर कंडक्शन करंट की वजह से ही हो रही है, ऐसा बोला था? अरे यही बोला था एम्पियर ने तो बेटा। हाँ ना तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे करोगे, यस यस है ना? एम्पियर ने ये तो बोला था कि जो आपकी आपका जो फ्लक्स चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स में, जो चेंज आ रहा है आपका, है ना, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है आपकी, इज ओनली ड्यू टू कंडक्शन करंट, आई एनक्लोज्ड या फिर कंडक्शन करंट, राइट? विच इज मॉडिफाइड और डिस्कार्डेड। मॉडिफाइड लिखना ज्यादा सही है क्योंकि
उसमें चेंजेस लाए बेसिकली, कौन? मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल। कौन चेंज लाए भाई? मैक्सवेल। ठीक है, तो ये जो मॉडिफाइड आपका एम्पियर लॉ बनेगा वो क्या बनेगा, क्या चेंजेस लाए ये? इन्होंने बोला कि भाई आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक्चुअली में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो केवल कंडक्शन करंट की वजह से नहीं हो रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से भी हो रहा है। समझ में आई बात सबको? यस सर, है ना? यस क्या क्या होता है ये? डी क्यू बाई डी टी प्लस आई डी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय, अरे बोलो, डी टी, है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। इसको कोई मैक्सवेल लॉ नहीं बोल रहे हैं, है ना? मैक्सवेल ने कुछ नया नहीं दिया, मैक्सवेल ने बोला कि हाँ एम्पियर भैया ने सही बोला था, लेकिन उनका बस कंप्लीट नहीं था, जो भी उनका टेस्टमेंट था, उनका जो भी उन्होंने फॉर्मुलेशन दिया वो कंप्लीट नहीं था, इनकंसिस्टेंट था, है ना? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट करंट को अकोमोडेट नहीं कर पाए, है ना? डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कुछ बता नहीं पाए। तो ये आपका क्या बोला जाएगा इसको, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस ठीक है, कोई पूछेगा तो ये बता देना कि ये होता है मॉडिफाइड सर्कुलर एम्पियर्स लॉ। ठीक है, अच्छा यहाँ तक सब क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद का जो आगे का टॉपिक है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी वगैरह ईएम वेव्स के बारे में जो आगे थोड़ा पढ़ने वाले हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पकड़ेंगे बच्चों। पहले हम प्रोपोगेशन समझ लेते हैं ईएम वेव का, और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे बाकी का नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो प्रोपोगेशन में कुछ समझने का ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें बस यही है जो हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है किसका, ईएम वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स, वो क्या होगा? बेसिकली ई क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। क्या बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा, है ना? यानी कि उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ई के भी परपेंडिकुलर होगा और पी के भी परपेंडिकुलर होगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? एक यस दूसरे सर। के परपेंडिकुलर तो होते ही हैं ये, और ईएम वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि आप इसको राइट हैंड थंब रूल से भी दे सकते हो, आप इसको किससे दे सकते हो, राइट हैंड रूल से भी दे सकते हो, राइट हैंड रूल जो आपने पढ़ा था उससे भी आप दे सकते हो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी आप दे सकते हो, इससे भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसको क्वेश्चन भी करेंगे इस पर आई होप ये समझ में आ गई होगी सबको बात। अरे समझ में आई है? ठीक है, ई क्रॉस बी का यस आपका डायरेक्शन होगा। बहुत बेसिक चीज है, पर इस पे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने इसको अलग से लेके बताया है। ठीक है, बेसिक चीज है बहुत ज्यादा, फिर से बता रहा हूँ ये बात, लेकिन इस पे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने आपको अलग से बताया है, अदरवाइज इसको अलग से पढ़ाने की ऐसा जरूरत होती नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करें इस पे, एक क्लियर हो जाएगा थोड़ा। यस सर। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपको बताएगा सही आंसर। ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। चलो बता दो जल्दी से। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है 2-3 बार। ऑप्शन चेक करना पड़ेगा बच्चों इसमें, ये समझ में आई बात सबको? इसमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको। हाँ प्रिंस,
डिंपल क्या आंसर है? डिंपल डी, तो कम आ रहे हो, सॉल्व किया तुमने। कॉम्बिनेशन पूछ रहा है ये, सोच समझ के आंसर करना। तो बेसिकली आंसर कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा आंसर क्या आएगा? कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आंसर देता है? क्या ये बात समझ में आई मेरी? किसका कॉम्बिनेशन आपको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आंसर देगा वो आपका आंसर होगा। अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की कॉम्बिनेशन से बनती है ईएम वेव, सही बात यस सर, है ना? तो आपको दो ऑप्शन दिए हुए, माइनस जे कैप प्लस के कैप और माइनस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे ही आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो आपका एक्स डायरेक्शन में रिजल्ट करता है तो आपका वो आंसर हो जाएगा। समझ में आई सबको बात? और यस अभी सर, हम अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? क्रॉस हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब निकालो, अब सॉल्व करके फिर से बताओ मुझे। अभी भी अगर सेम आता है तो बात करेंगे फिर, लेकिन अगर कुछ और आ रहा है तो फिर वो बताओ। बेटा आंसर अगर नहीं आ रहा है तो आप चैट में लिख सकते हो, मतलब आंसर अगर सेम ही है तो भी लिख सकते हो। और अगर नहीं आ रहा है तो डिस्कस भी लिख सकते हो, ये तो मैंने बात करी हुई है ना, डिस्कस तो लिख ही सकते हैं हम कभी भी। चलो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था इसमें, क्या निकालना था बच्चों इसमें? अरे बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस सबसे पहले, प्रोडक्ट। हाँ सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, माइनस जे कैप प्लस के कैप और माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, व्हाइट कलर से चलना पड़ेगा। माइनस जे कैप प्लस के कैप को आपको क्रॉस निकालना है किसके साथ में? सेम, माइनस जे कैप प्लस के कैप के साथ में। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे बच्चों? माइनस जे कैप इंटू माइनस जे कैप माइनस माइनस जे कैप इंटू के कैप प्लस के कैप इंटू, अच्छा ये तरीका आता है करना सबको? ये तरीका आता है क्या? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस जे कैप इंटू माइनस जे कैप, है ना? अगला स्टेप क्या होगा बोलो? माइनस जे कैप, माइनस लिखा जे कैप मल्टीप्लाई बाय के कैप, जो ये सेकंड वाला है, पहले इसको इससे करा फिर इसको इससे किया इनटू के कैप। अब बीच में क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे प्लस लगाएंगे? प्लस माइनस देखो, अगर ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस जे कैप इंटू माइनस जे कैप माइनस ऑफ जे कैप इंटू के कैप प्लस के कैप इंटू माइनस जे कैप। यानी कि अब आपने इंडिविजुअली सब आप साइन के साथ ले रहे हो ना, तो फिर यहाँ पे प्लस लगेगा। जे कैप को आप के कैप के साथ ले रहे हो, आप किसको? माइनस जे कैप को। अब इसमें से कौन सा वाला बचा, देख के बताओ।
कौन सा कॉम्बिनेशन बच गया है, कौन सा कॉम्बिनेशन बच गया है? के कैप से के कैप वाला बचा है क्या, है ना? प्लस के कैप मल्टीप्लाई बाय के कैप, ठीक है। अच्छा, जे कैप और जे कैप अगर दोनों को आप बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो आप सबके, है ना? आप सबको क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो आप सबके, यहाँ पे बीच में ये क्रॉस है सबके बीच में, ठीक है। तो जे कैप और जे कैप का क्रॉस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या? यस सर। ये तो जीरो हो जाएगा। अरे आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, जीरो होता है ना, पता है ना ये बात? तो देखिए यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट्स को सॉल्व करना बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, जे कैप और के कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा माइनस आई कैप, क्या आएगा? माइनस आई कैप, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है क्या बेटा? हाँ ना बोलो, आई क्रॉस जे के होता है ना, यस सर। है ना? कैसे निकालते, यस राइट सर। हैंड, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो आप। ये आपका आई है, ये आपका जे है, ऐसे करोगे कर्ल बनाओगे तो किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा, तो के कैप इधर की तरफ होता है, राइट? तो ऐसे ही जे कैप किधर होता है आपका, जे कैप किधर होगा, नीचे की तरफ, है ना? ऊपर प्लस जे कैप, नीचे माइनस जे कैप, बाहर की तरफ प्लस के कैप, तो इधर की तरफ आएगा। तो ये आपका देखो ऐसे तो आएगा, नीचे आपका हाथ गया, देखो इधर, देखो ध्यान से देखो, मैं तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट लेना सिखा रहा हूँ। ऐसे तो 11th में आपको आना चाहिए पर आपको नहीं आता है, तो सीख लो दोबारा। नीचे की तरफ आपने हाथ किया, क्यों? क्योंकि माइनस जे कैप का आपको क्रॉस लेना था, क्या ये बात समझ में आई मेरी? ऊपर की तरफ प्लस जे कैप। अच्छा, जे कैप कौन सा एक्सिस बताता है, वाई एक्सिस बताता है क्या बेटा? हाँ ना यस बोलना यस पड़ेगा सर। वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। वाई एक्सिस बताता है ना जे कैप, यस तो नेगेटिव वाई एक्सिस क्या बताएगा, माइनस जे कैप, सही बात है? अरे सर। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, ऊपर प्लस जे कैप, नीचे माइनस जे कैप, और के कैप किधर आता है, बाहर की तरफ। अगर एक्स ऐसा है, वाई ऊपर है, तो जेड कितना किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, है ना? तीन डायमेंशन होती है ना, एक्स वाई और जेड, बाहर की तरफ। तो ये नीचे जेड गया, मतलब जे कैप गया, माइनस जे कैप, और के कैप क्या होता है, जेड एक्सिस की तरफ, यानी बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ क्या करूंगा, मैं ऐसे कर्ल करूंगा अपना हाथ बाहर की तरफ, मेरी तरफ, खुद की तरफ कर्ल करूंगा, ठीक है? तो मेरा जो अंगूठा है, ये थंब है, ये किधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है ना, ये माइनस एक्स एक्सिस पे आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? एक बार करके देखो, खुद से करो, खुद से करो एक बार। जे कैप को माइनस जे कैप के लिए नीचे हाथ लेके गए, के कैप के लिए खुद की तरफ कर्ल किया इसको, और जो थंब था वो एक तो प्लस एक्स एक्सिस पे जा सकता था, एक माइनस एक्सिस पे जा सकता था, तो तुम्हारा किधर जा रहा है, माइनस एक्स एक्सिस पे। क्या ये बात समझ में आई? यस इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। सेम तरीके से इसका भी आप निकाल सकते हो, इसका भी क्या आ जाएगा आपका बेटा? मुझे अगर आप हाँ ना नहीं बोलोगे ना, या कुछ आंसर नहीं करोगे, तो मुझे ऐसा लगेगा आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, दिक्कत है, ठीक है? तो इसका भी कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, एक माइनस तो ऑलरेडी रहेगा यहाँ पे, ये प्लस आई कैप हो जाएगा। तो एक तो माइनस आई कैप आएगा, एक प्लस आई कैप आएगा, क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग होंगे, बीच में एक साइन माइनस का भी होगा, ठीक है? तो ये साइन और ये साइन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और के कैप और के कैप का तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, ये तो जीरो जीरो आएगा, ठीक है? तो ये टोटल ओवरऑल जीरो आ जाएगा। अब ये केवल हमने ए ऑप्शन सॉल्व किया है, ऐसे ही आपको बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जब आप सी ऑप्शन को सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर आपका एग्जैक्टली आएगा, मैं आपको सी ऑप्शन सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है? सी ऑप्शन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसको आप क्रॉस कर रहे हो किसके साथ में, माइनस जे कैप माइनस के कैप के साथ में। तो ये आएगा आपका जीरो जीरो आई कैप प्लस आई कैप, ये आपका आ जाएगा टू आई कैप, ठीक है? तो ध्यान से समझना, इस वाले में तो सब कैंसिल आउट होके जीरो आ रहा था, और इस वाले में टू आई कैप आ रहा है। तो ये टू आई कैप का मतलब क्या है बच्चों, क्या इसका मतलब पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है क्या, यस सर। है ना? और हमारी जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में ही जा रही थी, तो ये रीजन है आपका कि सी ऑप्शन आपका आंसर है, क्योंकि इसमें ई और बी का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपकी वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेके जा रहा है,
जो कि आपका टारगेट भी था, है ना, जो कि आपको पढ़ा भी हुआ है, आपने यही पढ़ा है ना कि ई और बी का कॉम्बिनेशन जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना के देता है, और ई और बी का कॉम्बिनेशन कैसे, ई क्रॉस बी। स्क्रीन समझ में आ रहा है, स्क्रीन चली गई सर। स्क्रीन यस चली, सर। हाँ स्क्रीन यस सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी दिख रही है, नो सर। नो सर। नो सर। नहीं दिख रही है, वेट। सर विजिबल है। सर आ गई। सर दिख रही है। ओके हाँ, तो मैंने क्या बताया था भाई, ई और बी दोनों का ले लो क्रॉस प्रोडक्ट, बिल्कुल खत्म, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ डिंपल बोलो, डिंपल ने हाथ ऊपर किया है लेकिन सवाल नहीं पूछी डिंपल। बेटा जो थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो इस पे कई सारे बनते हैं, तो अगर डाउट है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो फिर बता दो। डिंपल हाथ ऊपर क्यों किया था बच्चा, गलती से हो गया था क्या? अच्छा राइट हैंड रूल से भी इसको किया जा सकता है, थंब को अगर आप कर दोगे पॉइंट डायरेक्शन में किसके, वेव के, क्योंकि आपकी इंडेक्स फिंगर आपकी और मिडिल फिंगर इन दोनों को आप अरेंज करोगे तो आपका जो मैग्नेटिक मतलब आपका जो जो भी मतलब पूछा जा रहा है आपसे तीनों में से कोई भी एक चीज, क्योंकि तीन चीजें होती है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक ईएम वेव की डायरेक्शन होगी, है ना, जो तीनों होंगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के साथ में। तो अगर आप राइट हैंड रूल यूज करना चाहते हो, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोल लो इसको, है ना, इसमें कि थंब का यूज किया जा सकता है, इंडेक्स फिंगर का यूज किया जा सकता है और मिडिल फिंगर का यूज किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, मैं इसको लिख भी यस देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए नोट्स में लिख देता हूँ ये चीज, यूज ऑफ राइट हैंड रूल, इसको पढ़ के जाना एग्जाम में, नीट में भी और यहाँ पे भी, मतलब जब भी जो भी एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई थंब को किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करा, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ दीप्ति बोलो, सॉरी दीप्ति सर, कुछ गलती से हो पूछना, गया। कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपने थंब को डायरेक्शन में किसके, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में आपने पॉइंट किया, थंब को, अंगूठे को, यानी कि जिधर वेव जा रही है उधर कर दिया थंब, ठीक है, और फिर आपने कौन सी फिंगर यूज करी अपनी बोलो, अरे कौन सी लिखी है भाई बोल तो दो, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर समझते हो ना सब लोग, उसको किया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो बची सिंस, तो आपका वो किसको डायरेक्शन दे देगी, मैग्नेटिक फील्ड का। इसको याद रखना, ये आपको काम आएगा डायरेक्शन पता करने में, क्वेश्चन जब आएंगे इसके ऊपर। तो बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको, कोई डाउट है इसमें, पक्की नो बात, आगे चलें, समझ में आ रहा है, कूल। अब टेस्ट की थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे अगली वाली क्लास में, ठीक है, उसके पहले क्या करते हैं, थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं टेस्ट के लिए, तो एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद हम और दूसरे टॉपिक भी उठा लेंगे, दूसरे चैप्टर के टॉपिक भी, ठीक है, इसको सॉल्व करो यार सब लोग। एक पैडल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है उसका 1 माइक्रोफेराड, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज आपको दे रखा है 8 V/s, वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स इज चेंजिंग, जो dV/dt है वो आपको दे रखा है कितना, 8 V/s, है ना। आपको क्या पूछ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट पता है ना सबको, अभी अभी पढ़ा है, अरे कर पाओगे, ट्राई करो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, है ना, ट्राई करो उसको, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ टाइम, देखो 2 मिनट्स मिलेंगे आपको इसके लिए, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा टाइम, व्हेन 2 मिनट्स विल बी ओवर वी विल डिस्कस दिस, ट्राई टू फाइंड द राइट आंसर।
बेटा आंसर आया किसी का? हाँ डिंपल, क्या आंसर आया? बी ऑप्शन। ओके करें, सॉल्व करें, सॉल्व करें बच्चों। अरे हाँ ना तो बोलो यार, हाँ ना भी नहीं बोलोगे? यस सर, हाँ बिल्कुल ही, अब वैसे ही हो गया बिल्कुल की सर बात ही नहीं करेंगे हम, नाराजगी है आपसे, ऐसा कुछ है क्या? नो सर, ऐसा मत करो यार, बात बात तो करो, हाँ ना तो बोलो, है ना? कम से कम ये तो बताओ कि क्वेश्चन का नहीं आया है या आया है, डिस्कस करो मत करो, है ना? तो बताओ कम से कम। चलो डिस्कस करते हैं इसको। देखो तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है आपका कंडक्शन करंट के भी बराबर होता है, यानी कि इसको आप DQ/DT लिख सकते हो, सही बात है ना? अभी कैपेसिटर के केस में पूछ रहा है, जब आपका कैपेसिटर जो है 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस होल्ड करता है, एक इसका कैपेसिटेंस कितना है? 1 माइक्रोफेराड का है, और जो चेंज है चेंजिंग एट द रेट ऑफ 8 वोल्ट पर सेकेंड, यानी कि वोल्टेज आपका चेंज हो रहा है इतने वोल्ट पर सेकेंड से, 8 वोल्ट पर सेकेंड से। तो आप ये जानते हो कि जो चार्ज स्टोरेज है वो कैसे होती है भाई? Q=CV, इससे होती है क्या कैपेसिटर में? अरे याद आ रहा है कुछ बचपन में पढ़ा था, है ना? तो यहाँ पे हम रख सकते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा? D into CV। अरे Q की जगह CV रख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है ना? कैपेसिटर के केस में सी तो कैपेसिटेंस होता है बच्चों, तो ये तो कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ जाएगा, सही बात है? अंदर क्या बचेगा? DV/DT, है ना? यानी कि वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है ये बचेगा आपका। और आपको दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है ये? 8। और सी भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1। कितना हो गया ये? 1 मल्टीप्लाई बाय 8, है ना? अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 8 आएगा आपका माइक्रो में, माइक्रो एम्पियर। कितना आएगा? 8 माइक्रो एम्पियर। अगर आपको एम्पियर में लिखना है तो आप इसको 1 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है सही ऑप्शन। समझ में आया? इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं, 11th क्लास, 11th क्लास का एक क्वेश्चन निकाल के लाते हैं। एक बॉडी है, उसको प्रोजेक्ट किया आपने वर्टिकली, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया बच्चों, है ना? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी इक्वल टू द हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी याद है सबको, ग्रेविटेशन में पढ़ी थी बच्चों। एस्केप वेलोसिटी पता है क्या? है ना? तो एस्केप वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी आपने प्रोजेक्टाइल को दी है ना, बॉडी को दी है आपने। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज व्हाट? नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में भी आएंगे, तो आपको ये ट्राई डेफिनेटली करना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जिस महानुभव को नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ। एस्केप वेलोसिटी जो होता है अर्थ का, वो क्या हो जाएगा? 2 gm/r, ठीक है? बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थोड़ी हिंट दूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे उनको अगर समझ में नहीं आएगा? तो
अगर हिंट चाहिए तो आप बोल सकते हो कि सर हिंट दे दो, बट डिस्कस नहीं लिखो, थोड़ा ट्राई करो, अदरवाइज फिर दिक्कत आएगी क्लास में, एग्जाम में। अच्छा हिंट में दे देता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। एक बॉडी है, तुम खड़े हुए हो, बॉडी क्या, तुम बॉल ले लो यार, एक एक बॉल है, तुमने बॉल को ऊपर फेंका, ध्यान से सुनना मेरी बात, तुमने बॉल को ऊपर फेंका, तुम ऊपर फेंक रहे हो तो कोई स्पीड से फेंकोगे, कुछ वी स्पीड से फेंकोगे ना, हाँ ना बोलो यस सर। वरना हिंट नहीं दूंगा मैं, हाँ ना बोलो अगर हिंट चाहिए तो, ठीक है, तुम्हारे काम की बात है, अगर खुद से सॉल्व करोगे ना तो पेपर में भी कर पाओगे, और मेरे सोल्यूशन देख के खुश हो जाओगे तो पेपर में नहीं आएगा सोल्यूशन, ठीक है, तो सुन लो एक बार ध्यान से और ट्राई करो। एक बॉडी को तुमने, तुम खड़े हो जमीन पे, तुमने बॉल ऊपर फेंका, बॉल को तो कोई स्पीड से फेंकोगे, अब वो जो स्पीड है ना उसके बारे में तुम्हें बताया हुआ है कि भाई जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है √2gm/r, उसकी आधी स्पीड से तुमने फेंका है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो यानी कि तुम्हें स्पीड दी हुई है। अब तुमको क्या बोल रहे हैं कि अगर इसको कुछ एच हाइट ऊपर फेंका जाता है ना, मैक्सिमम हाइट, कितनी बॉल फेंकोगे तो किसी हाइट तक ही तो जाएगी, उसके बाद तो नीचे ही आएगी, है ना, एस्केप वेलोसिटी तो तुमने दी नहीं है, क्योंकि अगर एस्केप वेलोसिटी दी हुई दी होती तो ये एस्केप कर जाती क्या? अरे बोलो बेटा, वापिस आती क्या यस तुम्हारे सर। पास ये? वापिस नहीं आती, है ना, लेकिन अभी तुमने आधी दी है, एस्केप वेलोसिटी की आधी दी है, तो जाएगी तो बहुत ऊपर ही है, काफी ऊपर जाएगी, एस्केप वेलोसिटी आधी बहुत वेलोसिटी होती है ना, पता नहीं कितना ऊपर जाएगी, दिखेगी भी नहीं शायद, इतना ऊपर चली जाएगी, तुमने मतलब सुपरमैन बन गए तुम, इतनी तुमने तेज फेंक दी बॉल को, है ना, आधी एस्केप वेलोसिटी की आधी के बराबर तुमने फेंक दी, बहुत तेज फेंका था, लेकिन जब वापस आ रही है तो तुमको क्या पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट उसने अटेन करी है, लेट से वो एच हाइट है, तो एच हाइट पे जब तुमने अटेन किया है, तुमसे ये पूछ रहा है कि जो बॉडी की एच हाइट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, समझ में आया क्वेश्चन? और किसके टर्म्स में पूछा जा रहा है? यस रेडियस के टर्म्स में, आर के टर्म्स में। अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्या ग्रेविटेशन का फंडा यूज होगा, क्या ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे इसमें, हाँ या ना? सर। क्या इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा एनर्जी कंजर्वेशन का? हाँ, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन यूज होगा। अगर आप एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाओगे तो आप कैसे निकालोगे बेटा? कोई भी चीज हमें वेरिएबल्स, जैसे हमारे वेरिएबल्स क्या है, हाइट वेरिएबल है ना, आर की टर्म्स में हमें निकालना है, तो जब तक हमारा हमारे को इक्वेशन नहीं पता रहेगी हम कैसे निकालेंगे, हमें केवल अभी ये पता है कि स्पीड कितनी है, लेकिन उस स्पीड का यूज कैसे करेंगे, जब स्पीड का यूज कैसे कर सकते हो तुम बताओ, मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है पहले ही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, किसी बच्चे को अगर नींद आ रही है, क्लास छोड़ के जाने का मन कर रहा है, आलस आ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये चीज दोबारा बार बार नहीं सिखाई जाएगी, जब बहुत रेयरली ये चीजें बार बार रिपीट होती हैं, और आप इस टाइम पे अगर सीख लोगे तो आपको बहुत फायदा है, अदरवाइज स्ट्रगल करोगे आप बहुत ज्यादा। फिर से समझा रहा हूँ, पहले भी बताया, जब भी स्पीड की बात होती है मैकेनिक्स में तो आप जनरली क्या यूज करते हो, या तो आप मोमेंटम यूज करते हो, या फिर आप क्या यूज करते हो बोलो जरा, अरे किसका कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हो, या तो मोमेंटम यूज करते हो जब भी वेलोसिटी की बात आती है, या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या यूज करते हो, अरे बोलो, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दैट विल हेल्प यू टू फाइंड व्हाट द हाइट, क्या होता है कंजर्वेशन एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, अरे यही होता है ना, यस सर। है ना, तो सॉल्व कर पाओगे या फिर सॉल्व करना है, थोड़ा आपको मौका दिया जाए, या आप चाहते हो कि सर आप ही सॉल्व कर दो, हमसे तो ना हो पाएगा, बेटा जल्दी बताओ, क्लास का टाइम लिमिटेड है, सॉल्व कर रहे हो तो वो बताओ, नहीं कर रहे अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर डिस्कस लिख दो।
ठीक है, मुझे नहीं लगता आप लोग मूड में हो कुछ भी लिखने के। अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है ये वैसे, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमको नहीं आ रहा है। इधर देखो भाई सब लोग, ठीक है इधर देख लो अब। ओके, सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी इसकी, जैसे हमारे पास इसको यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या होगी वो? हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अब हाँ ना बोलना, एटलीस्ट हाँ ना बोलो, ठीक है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, वरना कोई फायदा नहीं किसी चीज का। कितना हो जाएगा ये? 1/2 ऑफ अंडर रूट 2gm अपॉन आर, यस सर, है ना? अब ये 2 अंदर जाएगा अंडर रूट के तो 4 बन जाएगा ना ये। अब अगर 2 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा ना बेटा, तभी तो बाहर आके 2 बना ही है। हाँ या ना? तो ये 2 से 4 कट हो गया, क्या बना ये? अंडर रूट gm अपॉन 2r। क्या ये समझ में आया सबको? है यस सर, ना? इस स्पीड से तुमने तुम्हारी बॉल को फेंका होगा। अब जब तुमने बॉल को फेंका तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी बनेगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, राइट? कुछ तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी जिसको तुम हाफ एम वी यस स्क्वायर सर, लिख दोगे, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनेगी जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से तुम लिख सकते हो। कितना? माइनस ऑफ जी इंटू, बताओ कितना होगा? m1 m2 अपॉन आर। अरे m1 m2 अपॉन आर होता है ना पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस जी इंटू कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ बॉडी स्मॉल एम ले लो, अपॉन आर। यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। कैसे लिखते हो बेटा? सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता है ना? हाँ, तो मैक्सिमम हाइट पे अगर हम देखें इसको, एट मैक्सिमम हाइट, क्योंकि वही निकालनी है हमें, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है? क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? काइनेटिक वेलोसिटी एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, ये बता दो। सर, जीरो जीरो, जीरो जीरो। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हुई तो बॉल को और ऊपर जाना चाहिए था, सही बात है? अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती तो होगी बॉल ऊपर और जाती। सर, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है और रुक जा रही है तो मतलब उसकी मैक्सिमम स्पीड अटेन हो चुकी है। अब वो जीरो हो गई है और अब वो नीचे आने वाली है ना? यही होता है सिंपल सा लॉजिक, ठीक है? ऊपर, सबसे ऊपर वेलोसिटी कितनी होती है हाई मैक्सिमम हाइट पे? जीरो होती है, ये तो हमने प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा हुआ है ना? और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एच हाइट पे? पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एच हाइट पे? मैक्सिमम हाँ, कितनी हो जाएगी? माइनस जी, नहीं मैक्सिमम नहीं, पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी जी इंटू एम इंटू कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है, आर की जगह आर प्लस एच हो गया। क्या ये बात समझ में आई है? अगर आपने अर्थ यस अर्थ सर, थी आपकी आर रेडियस की, और इससे आपने ऊपर एच हाइट पे फेंक दिया बॉल को, तो अब टोटल कितनी अरे जो उसका लोकेशन होता है वही तो बताता है पोटेंशियल एनर्जी बेटा। कोई भी ऑब्जेक्ट का कन्फिग्रेशन, लोकेशन, यही तो बताता है ना पोटेंशियल एनर्जी उस चीज की, कि कहाँ पे रखा हुआ है तुमने उसको। तो तुमने अभी कहाँ रखा हुआ है उसको? आर प्लस एच हाइट पे। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, है ना? ये तुम्हारा बात का केस है, इनिशियल केस नहीं है। इनिशियल केस में तो तुमने उसको बॉल को प्रोजेक्ट किया था, है ना? इनिशियल केस में तो तुमने प्रोजेक्ट किया था। बाद में इनिशियली कितना था? इनिशियली था तुम्हारा ये वाला केस, ये था तुम्हारा इनिशियली, जिसमें तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी भी थी और पोटेंशियल एनर्जी भी थी। कितनी कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। और ये क्या था तुम्हारा फाइनल केस, जिसमें कि तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? माइनस जी एम इंटू कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। क्या इन दोनों को इक्वेट कर देना चाहिए मुझे अब? सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, फाइनल फाइनल ठीक है? करो इक्वेट करो भाई, क्या आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन आर इक्वल्स टू जीरो प्लस माइनस ऑफ जी इंटू एम इंटू कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। ये समझ में आया? यस सर, ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हम वी की वैल्यू रख सकते हैं। वी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे भाई? वी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे?
हाफ इंटू एम इंटू इतना हो जाएगा। देखो ये बताओ, ये वी की वैल्यू थी, ये थी यस वैल्यू सर। जिससे तुमने फेंका था बॉडी को, है ना। तो भाई इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन टू आ रही, टू तो आर ये वी यस स्क्वायर हो सर। जाएगा। और बाकी का ये जो पूरा ताम झाम है, इसको एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख दो, इसमें तो कुछ चेंजेस लाने ही नहीं है अभी, है ना। अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अब तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, ये बनेगी तुम्हारी -3g इंटू एम अपॉन 4r। या मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ बच्चों, इसको सॉल्व जरूर करना, मैं इसको यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ठीक है। -3 इंटू जी इंटू एम अपॉन 4r, इसको इक्वेट करेंगे इस वाली क्वांटिटी से जो तुम्हारी राइट में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, -g इंटू एम अपॉन आर प्लस एच। क्या यहां तक समझ में आया, यस सर। ठीक है। अब तुम क्या करोगे, दोनों तरफ कैपिटल जी, कैपिटल एम और स्मॉल एम इससे डिवाइड कर दोगे। अगर तुम ध्यान से देख सकते हो तो ये क्या दोनों कट नहीं जाएंगे क्या बेटा, कैपिटल जी यस वाला सर। देखो, यस ये वाला पोर्शन कट जाएगा ना पूरा, ये कट जाएगा ना, ये देखो सेम है ना दोनों तरफ, यस सर। है ना, यस सर। तो ये कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा इधर, इसको सॉल्व करके क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 3 अपॉन 4 आर इक्वल्स टू, बताओ माइनस माइनस भी कट गया तो क्या बचा, 1 अपॉन आर प्लस एच, आर प्लस एच है ना। अब इससे सॉल्व करके एच की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या, सर। तो एच की वैल्यू इसको सॉल्व करके आराम से निकाली जा सकती है, जो कि आ रही है आपकी R/3। दैट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व भी कर लेना एक बार घर पे। क्या ये सोल्यूशन समझ में आया आपको, ठीक है। यस तो सर। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील किया जाएगा। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करो और आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो केवल इसी बेस पे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो यार, यस सर। यस ठीक है। अब कुछ यस। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे तुम लोगों के लिए रखे हैं, अभी सिंस हमारे पास क्लास में लिमिटेड टाइम है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अदरवाइज आपको सॉल्व तो करना ही है, ठीक है। जैसे एक ही क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ वुड बी, तो यानी कि चेंज इन लेंथ निकालनी है आपको। एक वायर से आपने 2m मास का ब्लॉक स्टील वाले वायर से लटका रखा है, हैंग कर रखा है, और एक ब्रास वाले वायर से 3m वाला उसके नीचे फर्दर हैंग कर रखा है, ठीक है। तो इनमें कुछ टेंशन आएगी क्या बच्चों, कुछ टेंशन आएंगी T1 और T2, यस है ना। सर। यस तो इस T1 और T2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। उसके बाद मुझे ये बताओ, क्या एलोंगेशन या वायर में जो लेंथ में चेंज आ रहा है, ये हमने पढ़ा हुआ है इलास्टिसिटी विस्कोसिटी वाले चैप्टर में, है ना। क्या फॉर्मूला होता है इसका, यंग्स यस मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन में एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है यंग्स मॉड्यूलस का, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं याद आ रहा तो एक बार नोट्स रिवाइज करना, उसके थ्रू याद आ जाएगा। तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा, यस सर। पक्का। यस सर। यस सर। हो जाए। हाँ इसको सॉल्व जरूर करना, लेकिन हो जाएगा वो तो ठीक है, मुझे पता है सब कितना कर लोगे तुम, ठीक है। क्योंकि ये पूछ क्या रहा है तुमसे कि लेंथ में चेंज कितना है स्टील और वायर में, स्टील और ब्रास में सॉरी, यानी कि स्टील में लेंथ में चेंज लिखना इस फॉर्मूले से, ये डेल्टा एल है ना, ये डेल्टा एल है ना, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको। ये क्या बन जाएगा, एफ एल अपॉन ए इंटू वाई, समझ में आ रही है बात, यस चेंज इन सर। लेंथ का फॉर्मूला बनेगा। तो जो स्टील वाले है उसमें चेंज अलग आएगा और जो ब्रास वाला है उसमें अलग आएगा, इन दोनों का आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। और अलग अलग क्यों आएंगे, क्योंकि आपका जो जैसे स्टील वाला है उसमें कितनी टेंशन आ जाएगी टोटल स्टील वाले में, इसकी वजह से इस वाले में तो नीचे 3 mg लग रहा है फोर्स, सही बात है, यस सर। और इस वाले में नीचे 2 mg लग रहा है। तो जो स्टील वाला यस है सर। इसमें T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 mg आ जाएगी क्या टोटल, यस अरे सर। हाँ ना बोलो, और T1 की वैल्यू 3 mg आ जाएगी। तो दोनों में टेंशन ही अलग आ रही है, तो फोर्स अलग आ रहा है ना,
जिस फोर्स की वजह से आपका एलोंगेशन आ रहा है वो दोनों में अलग अलग आ रहा है, राइट, यस है ना? सर। तो उन दोनों एलोंगेशन का आपको रेशियो निकालना है, हो जाएगा? अब बताओ। यस 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 सर। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको टैकल करना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं 12th क्लास के, ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, इनमें से अगर कुछ नहीं आता है तो आप डेफिनेटली मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट तक पूरा पढ़ लिया है, अगली क्लास में हम ईएम वेव्स को खत्म करने का ट्राई करेंगे, जो कि होगी आपकी मंडे ट्यूसडे जब भी होगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट में हम ईएम वेव्स को रैप अप करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ मेजर टेस्ट के लिए आपको कौन से टॉपिक अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। जानना है? यस सर। यस सर। पहला टॉपिक है यस ग्रेविटेशन। सर। ग्रेविटेशन को अच्छे से रिवाइज करके जाने, अच्छे से मतलब अच्छे से होता है, बात समझ में आ रही है? यानी कि फॉर्मूला पढ़ो सारे एक बार, कॉन्सेप्ट टाइम मिल रहा है तो कॉन्सेप्ट भी क्या करो, रिवाइज करो। ठीक है, ये आपको सबसे पहले 11th क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन, इसके अलावा इलास्टिसिटी विस्कोसिटी पढ़ा हुआ है? यस सर। इसके अलावा फ्लूइड एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट हमने पढ़ा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस और कुछ पार्ट हम कल कर लेंगे, कल वाली क्लास में। कल होगी आपकी 11th वाली क्लास? अरे एक्स्ट्रा क्लास हाँ, तो लगना आजकल। एक्स्ट्रा क्लास लगनी भी है, तो तुम लोग कर लोगे खुद से या फिर लगाऊं क्लास? मैं सोच रहा था कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता आपको कल मेजर टेस्ट के पहले 11th क्लास के, बाकी आप लोग बताओ नहीं करने का प्रैक्टिस? यार तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, कमाल हो, सो गए हो क्या क्लास में? बेटा नो सर। सबके सिलेक्शन होते भी नहीं है, हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, लिमिटेड है सीट्स, और ये चीज पता करती है, ये चीज डिफाइन करती है, फिर बाद में सोचना एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब कि ऐसा क्या गलत किया सर कि कॉलेज ही नहीं मिल रहे हैं। फिर सर बताएंगे उस टाइम पे कि जब सर पूछते थे सवाल आपके फायदे के लिए तब आप चुप बैठे रहते थे क्लास में, तब शायद सर की बात याद आएगी उस टाइम पे जाके कि हाँ शायद आंसर कर देते, थोड़े सीरियस हो लेते हम हर प्रोसेस को लेके, हर क्लास को लेके थोड़ा सीरियस हो जाते अगर, तो शायद हमारा भी एक अच्छी जगह पे हो जाता। तो वो टाइम अभी निकला नहीं है, यू हैव दैट टाइम, इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना, चेंजेस लाओ खुद के अंदर पॉजिटिव, आंसर किया करो क्लास में, तुम्हारे पास कितने सारे ऑप्शन है, चैट में आंसर कर सकते हो, हाथ ऊपर करके आंसर कर सकते हो, अनम्यूट करके आंसर कर सकते हो, लास्ट टाइम पूछ रहा हूं कल वाली क्लास की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस जरूरी है आप लोगों को करनी, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं यस सर। खुद से कर लोगे? ठीक है, तो यस कल सर। आपकी ओके क्लास, कल आपकी क्लास होती ही नहीं होती आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पहले से बता रहा हूँ, हो सकती है क्लास, तो अलर्ट रहना। ठीक है, मैसेज आपको कर दिया जाएगा पहले से, लेकिन फिर भी आप तैयार रहना, अगर क्लास होती तो आपको अटेंड करनी है। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए 11th के टॉपिक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 12th की, तो उसमें तो आप सभी वो इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटेंस, पूरा ईएमआई, एसी सब पढ़ लेना, सबसे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। 12th तो आपको पता है ना बच्चों? ठीक है, सारे टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आएंगे, तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, और कोई डाउट आता है तो पूछना, इस बारे में करते हैं फिर डिस्कस। तो अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन स्टे, यू कैन आस्क, और अगर नहीं है तो यू कैन लीव द क्लास, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेजर टेस्ट। ओके, बाय बाय ओके सर। एवरीवन। बाय बाय सर। सर।